दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। सभी ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए डिस्कस करेंगे, बताएंगे पूरा डिटेल में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और इसके पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पांडे जी टेक्निकल से अपने पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, वो जो है पांडे जी टेक्निकल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पर आपकी लाइव क्लासेस आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के सभी ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए मिल जाएगी। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। फी आपका मात्र 299 है, 299 रुपए में ही आप दोस्तों अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। और आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको किताब खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो पहले तो आप ये जान जाइए कि आप सभी विद्यार्थियों को कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको दोस्तों सब्जेक्ट पढ़ना है पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपको पढ़ना है अप्लाइड मैथ, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें इसका नाम होता है पूरा दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए, ठीक है। फर्स्ट ए इसलिए होता है क्योंकि इसका फर्स्ट बी भी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक सेमेस्टर में आपको पॉलिटेक्निक का अप्लाइड मैथमेटिक्स दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के पास जो आएगा सारी चीज़ें अप्लाइड ही रहती हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, जो कि आप लोगों के 11 और 12 की केमिस्ट्री होती है। उन दोनों को मिला करके एक अप्लाइड केमिस्ट्री का सब्जेक्ट बनाया गया है, जिसमें कुछ विषय आपके 11 के हैं, कुछ विषय आपके 12 के हैं, ठीक है। और अप्लाइड केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाता है पूरे फर्स्ट ईयर में। उसके बाद आप अगर आगे बढ़ते हो तो फिर फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में ए और बी इसलिए नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ एक बार पढ़नी है। एक बार अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ ली है उसके बाद आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप बात करोगे फिजिक्स की तो इसमें आपको दो बार फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। यानी कि अप्लाइड फिजिक्स आपको जो है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है वो फर्स्ट पढ़ना है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आप पढ़ोगे, और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे ना तो भी आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो अप्लाइड फिजिक्स जो आप फर्स्ट ईयर वाला फिजिक्स देख रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर वाला फिजिक्स देख रहे हो, दरअसल ये क्या है कि ये आप लोगों का क्लास 11th का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्लास 11th का आपका ये सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट वाला जो है, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। और जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा वो क्लास 12 की फिजिक्स आपकी चलेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक आपका बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट निकल के आता है जिसको आप कहते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट के लिए ये एक नया सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। कुछ लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, मतलब कुछ ब्रांच के विद्यार्थी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, और कुछ ब्रांच के विद्यार्थी आपका टेक्निकल ड्राइंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे और कुछ लोग टेक्निकल ड्राइंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली कौन कौन पढ़ेगा, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का, ये बच्चे जो है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिकल के तीनों ब्रांच के विद्यार्थी, जैसे सिविल, सॉरी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कैड हो गया, सब लोग क्या पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे। टेक्निकल ड्राइंग, सवाल ये आता है कि कौन पढ़ेगा, टेक्निकल ड्राइंग पढ़ेंगे आपके कंप्यूटर साइंस के बच्चे, टेक्निकल ड्राइंग पढ़ेंगे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे, ये लोग जो है टेक्निकल ड्राइंग पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, एक इंग्लिश का सब्जेक्ट रहता है कम्युनिकेशन स्किल करके। एक्चुअली में जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो सब कुछ आपको आना चाहिए, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये आना चाहिए। तो इसके लिए एक स्पेशल सा सब्जेक्ट दोस्तों आपको बनाया गया, और इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल भी दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, टेक्निकल ड्राइंग हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं। बाकी सब्जेक्ट ऑलरेडी अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया होगा तो ऑलरेडी इसमें कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल का तो पोर्शन है ही,
इसके साथ ही साथ आपका रीडिंग का भी पोर्शन है, इसके अलावा आपका राइटिंग का भी पोर्शन है, ठीक है। तो ये भी आपकी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल में। इसके अलावा आपके पास ग्रामर भी निकल के आएगा। कई लोग जो है ग्रामर छोड़ दिए हैं क्लास 12 में ही पढ़ना, है ना, क्लास 12 में ग्रामर पढ़ के आप लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ग्रामर जो है दोस्तों आप लोगों को इसमें भी कुछ पोर्शन उसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आगे आप लोग कम्युनिकेशन स्किल एक बार सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे, लेकिन ये वाला जो कम्युनिकेशन स्किल है ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए है, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। ये भी सभी के लिए है, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। ये भी सभी के लिए है, बस ये एक बार ही आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री सिर्फ एक बार पढ़ना है आपको, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट आप इतना मान करके चलिए, ठीक है। और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं आप दोस्तों, तैयारी के लिए आपको सिंपल पांडेजी टेक्निकल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। वहाँ पे सारी क्लासेस ऑलरेडी हैं आपकी, तो आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है और अपनी क्लासेस को दोस्तों इंजॉय करते हुए चलना है। इंजॉय करके पढ़ेंगे तो और मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, और इसके साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर भी पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी पांडेजी टेक्निकल 2.0 चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।